हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कुजी। यू आर वॉचिंग विद दी लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे स्किप ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हमें पता है कि DLI अप्रूव्ड कॉलेज में COVID-19 रेडीनेस प्लान होना मैंडेटरी है। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जाते हो जिसमें COVID-19 रेडीनेस प्लान नहीं है, आपका कॉलेज DLI अप्रूव तो है मगर वहाँ COVID-19 रेडीनेस प्लान नहीं है, तब आप कनाडा में ट्रैवल नहीं कर सकते। क्या आपके कॉलेज में COVID-19 रेडीनेस प्लान रखा गया है या नहीं रखा गया है? अगर आपका कॉलेज COVID-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में है तो आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज DLI अप्रूव्ड है मगर COVID-19 लिस्ट में नहीं है, मीनिंग आपको अप्रूवल नहीं मिली हुई है आपके कॉलेज को, तब आप कनाडा ट्रैवल नहीं कर सकते। ट्रैवल करने से पहले आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका कॉलेज में रेडीनेस प्लान रखा गया है कि नहीं रखा गया। अगर आपके कॉलेज में COVID-19 रेडीनेस प्लान नहीं रखा गया है तब आप कनाडा ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपने RiveCan ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लें, आपके लिए मैंडेटरी है। इसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। सो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आप अपने कॉलेज को चेक करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके अपने कॉलेज लिस्ट को देख सकते हो कि आपका कॉलेज DLI अप्रूव्ड है और आपके कॉलेज में COVID-19 रेडीनेस प्लान रखा गया है कि नहीं रखा गया, तभी आप ट्रैवल करें, अदरवाइज़ आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप IELTS स्पोकन इंग्लिश इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस लगाना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर हमें DM कर सकते हो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। इन लास्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको कनाडा के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। इन लास्ट, थैंक फॉर वॉचिंग विद दी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग विद दी लर्निंग।